अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल की नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पहले हम बीपीटी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बीपीटी क्या होता है ना। तो बीपीटी समझ लो कि बीपीटी क्या होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी में अगर हम किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो डी लाइन हमने ड्रॉ करी ये बीसी की पैरेलल लाइन है, ठीक। तो ट्रायंगल में तीन साइड होती है, तो किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, है ना, तो क्या करता है, अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, ठीक। तो यहाँ पे डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, तो ये क्या करेगा, इसको दो अदर दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये है आपका बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या पैरेलल गिवन था, प्रूफ करना था कि रेशो इक्वल होगा। अब हमें कन्वर्स में क्या करना है, रेशो इक्वल गिवन है और प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगी, जस्ट उसका कन्वर्स यानी रिवर्स, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका स्टेटमेंट, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशो देन इट मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो आपको प्रूफ करके बताना है कि वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक। स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, मैंने फेयर डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फाइनल, ठीक। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, तो सॉल्यूशन पहले गिवन है, गिवन देख लेते हैं क्या है, गिवन है आपका इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में क्या गिवन है, साइड का रेशो इक्वल है ना। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशो, तो रेशो इक्वल है, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये हमें गिवन है, ठीक। अब प्रूफ क्या करना है, ठीक है, कि जो डी वाली लाइन है वो इस बीसी की क्या होगी, पैरेलल होगी, ये प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो ये गिवन है, टू प्रूफ दैट डी पैरेलल बीसी, ये आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। ऐसे जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसलिए ड्रॉ हुआ है क्योंकि हम इसको सपोज करेंगे लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, है ना। पैरेलल बताने के लिए हमें पहले सपोज करना पड़ेगा कि वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसका प्रूफ लिख रहा हूं, प्रूफ में मैं कंस्ट्रक्शन की लाइन लिख दूंगा। अब यहां पे हमने कंसिडर कर लिया लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, हमने कंसिडर कर लिया कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, ठीक। तो अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो है डीई डैश विच इज पैरेलल टू बीसी, डीई डैश वाली जो लाइन ड्रॉ करी वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आपको पता ही है कि लाइन पैरेलल होगी तो रेशो इक्वल होगा, बीपीटी अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये डी डैश वाली लाइन इस बीसी के पैरेलल ड्रॉ करी, ठीक है, तो रेशो इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन ई डैश सी, ये इक्वेशन हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे और इधर लिखेंगे क्या, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से, है ना, क्योंकि लाइन पैरेलल हो गई तो रेशो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम देखो, अब जो गिवन है, क्या गिवन है, ऑलरेडी रेशो गिवन इक्वल था, है ना, तो हम उसका यूज कर लेते हैं, लेकिन बट क्या गिवन है आपका, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये गिवन है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और इधर गिवन लिखेंगे क्योंकि ये चीज गिवन है ऑलरेडी, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में देखो एलएचएस क्या है भाई, फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस आप देख लीजिए एडी अपॉन डीबी, सेकेंड इक्वेशन में भी एडी अपॉन डीबी, तो दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
दोनों को हम इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एई एई डैश अपॉन ई डैश सी, ये फर्स्ट इक्वेशन का आपका आरएचएस हो गया, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस एई अपॉन ई सी, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों का हम यहाँ पे देखें तो दोनों का एलएचएस अगर हमारा सेम हो गया तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो हमने आरएचएस को इक्वेट कर दिया, ठीक। अब इसमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ेगी, तो ऑन एडिंग वन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ वन एड कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा ए डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए अपॉन प्लस वन, वन एड करना है, प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन ई सी प्लस वन, है ना, दोनों तरफ हमने वन एड कर दिया, बोथ साइड वन एड कर दिया। अब वन एड करने के बाद एलसीएम लेते हैं, तो डायरेक्ट एलसीएम ऐसा होगा, आप ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई सी, ठीक है, आरएचएस देख लीजिए, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी अपॉन ई सी, ठीक। अब ये ऐड हो गया, ऐड होने के बाद ये अब हम डायग्राम से चेक करेंगे कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है, तो ए डैश प्लस ई डैश सी, डायग्राम में देखते हैं, ए डैश प्लस ई डैश सी, तो ये पूरी जो लेंथ होगी, पूरी अगर हम दोनों को ज्वाइन करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के इक्वल हो जाएगा, एसी के इक्वल होगा ए डैश प्लस ई डैश सी, तो ये क्या हो गया, एसी होगा, ठीक। तो यहां पे हम इसका न्यूमरेटर लेफ्ट एलएचएस का न्यूमरेटर हो जाएगा ए एसी अपॉन ये ई डैश सी था, तो ई डैश सी, है ना। अब आपका आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस का, तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, ए प्लस ईसी, तो ए से ई तक की डिस्टेंस, फिर ई से सी तक की डिस्टेंस, तो वो भी सेम क्या हो जाएगा हमारा, एसी होगा, तो फिर हम उसको भी क्या लिख रहे हैं, एसी अपॉन ईसी, ठीक। अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर तो सेम हो गया है, दोनों का न्यूमरेटर देखा जाए तो सेम, तो ईसी से ईसी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें हम तो ईसी किसके इक्वल हो जाएगा, ई डैश सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो ईसी है ई डैश सी के इक्वल है, तो हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वली एक ही कंडीशन में होंगे, कब होंगे ये इक्वल, जब ये ई डैश वाला जो पॉइंट हमने, यानी ये डी डैश वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, सपोज करी थी, ठीक है, वो कोई दूसरी लाइन होनी नहीं चाहिए, यानी ये जो पॉइंट है ई डैश वो पॉइंट ई पे ही होना चाहिए, यानी दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, कोइंसाइड पॉइंट होने चाहिए, यानी पॉइंट पे दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे ही होना चाहिए, यानी यहीं पे ये ई डैश भी पॉइंट होना चाहिए, है ना, दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट वो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं दो, ये जो हम एक पहले गिवन थे डी और दूसरी हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया था डी डैश वाली, वो दो अलग लाइन नहीं होगी, वो सेम लाइन होगी, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी जब ही पॉसिबल है, जब ये पॉसिबल जब होगा, इफ ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट हो एंड डी डी एंड डी डैश आर सेम लाइन, ठीक है, ये ई और ई डैश सेम पॉइंट, यानी दोनों कोइंसाइड होने चाहिए, और डी डी और डी डैश दोनों क्या, सेम लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सेम पॉइंट और सेम लाइन हो गया, तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखा था कि डी डैश वाली लाइन क्या है, बीसी की पैरेलल है, तो जब डी डैश पैरेलल होगा तो क्या होगा, डी भी क्या हो जाएगा, उसका पैरेलल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं फिर यहां पे, देयरफॉर डीई पैरेलल डी पैरेलल बीसी, हो गया आपका आंसर।